IIM टॉपर ने 5 लाख रिक्शा चालकों की बदल दी जिंदगी। शुरू किया करोड़ों का बिजनेस। आधुनिकता और तकनीकी विकास जिस तरह से देश में बहुत आगे बढ़ रहा है, वहीं मेहनत और मजदूरी से आज की पीढ़ी पीछे नहीं हटती। आधुनिकता, तकनीक और मजदूरी, जब इन तीनों को मिलाकर कोई काम किया जाए तो उस काम में 4 चांद लग जाते हैं। आज की ये कहानी है इसी तालमेल को आगे बढ़ाकर लाखों को रोजगार देने का काम कर रही सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक इरफान आलम की, जिनका जन्म बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में हुआ। इरफान आलम भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के छात्र रहे हैं। इरफान का स्वभाव शुरू से ही गरीबों के प्रति संवेदनशील रहा है। जब वो गरीबों की पीड़ा देखते तो व्याकुल हो जाते थे। इसी भावुकता ने उन्हें गरीबों के लिए कुछ करने को प्रेरित किया। भारत के शहरों में नियमित यात्रा में 30% योगदान रिक्शे का है, इसलिए उन्होंने रिक्शा चालकों के रोजगार के लिए एक संगठन बनाने की योजना बनाई। इरफान ने विदेश व्यापार में मास्टर्स डिग्री और अर्थशास्त्र में बैचलर्स डिग्री की डिग्री ले रखी है। वो नेवर से नेवर में विश्वास रखते हैं। इरफान ने रिक्शा चालकों के लिए बिहार से बिजनेस शुरू किया। इस व्यवसाय की शुरुआत राजधानी पटना से 2007 में 300 रिक्शा चालकों की श्रृंखला से की, जो एकदम शुरुआती दौर था। रिक्शा चालकों की सहायता के लिए रिक्शे को संगीत, पत्रिका, अखबार, प्राथमिक चिकित्सा सामान, अल्पाहार और विज्ञापनों से सुसज्जित किया गया। इसे आने जाने वालों के लिए रिक्शे की सवारी आरामदायक और मनोरंजक हो गई। इन्होंने इस बिजनेस को एक नाम दिया, बिहार के रिक्शा वाले। आधुनिक सोच से आगे बढ़ते हुए इन्होंने रिक्शा चालकों को कैपेबल बनाया। कई वैल्यू एडेड सर्विस के साथ भारत में पहली प्रीपेड रिक्शा की शुरुआत हुई। एक रिक्शे में इतनी फैसिलिटी देने के बारे में इरफान बताते हैं, मुझे ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि एक बार मैं रिक्शे में सवारी करके कहीं जा रहा था, तभी मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैंने रिक्शे वाले से पानी मांगा तो उसके पास भी पानी नहीं था। तब मैंने सोचा कि यदि रिक्शे में खाने पीने का सामान हो तो सफर आसान हो जाएगा। बस यही सोचकर इन फैसिलिटीज पर काम किया। इस बिजनेस की शुरुआत के लिए कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर 3 इंजीनियर्स के साथ मिलकर रिक्शे के डिजाइन तैयार किए। बड़े स्तर पर शुरू किए गए इस काम में देश भर के 5 लाख से अधिक रिक्शा चालक इरफान की संस्था सम्मान फाउंडेशन में पंजीकृत हैं। 2010 में उनकी ये उपलब्धि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की नजरों से भी अछूती नहीं रही। इरफान उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जिनका चुनाव उसी वर्ष अमेरिका के व्हाइट हाउस में युवा उद्यमियों के शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए हुआ था। कठिनाइयों को पार करते हुए भी इरफान ने अपने उद्देश्य को थामे रखा है। उन्होंने अब तक कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। उन्हें बिजनेस वर्ल्ड का उद्यमिता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंडिया टुडे द्वारा उन्हें भारत के 40 यूथ आइकॉन की सूची में चुना गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा इंडियाज बेस्ट 30 यूथ के लिए उन्हें चुना गया। इसके अलावा उन्हें गार्जियन पत्रिका, लंदन और द इकोनॉमिस्ट में भी प्रधानता दी गई। टाटा नेन के हॉटेस्ट स्टार्टअप अवार्ड के निर्णायक दौर में भी ये थे और वर्ल्ड बैंक के इनोवेशन अवार्ड के विजेता भी रहे हैं। इरफान के इस प्रोजेक्ट को विश्व भर में कई विश्वविद्यालयों में साझा किया गया। इरफान आलम ने ये कर दिखाया है कि कठिनाइयां चाहे जितनी आए, लेकिन मनोबल न हारने वालों की हमेशा जीत होती है। यदि आप कुछ कर जाने का हौसला रखते हैं तो मंजिल आपके करीब आ ही जाती है। आज की ये कहानी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।